नमस्कार साथियों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं बजट सत्र 2023-24 के बारे में कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री द्वारा जो है हाल ही में 17 मार्च को जो घोषणाएं हैं वो की है वापस वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की घोषणाएं उसके बारे में जो 17 मार्च 2023 को जितनी भी अपने कृषि एवं पशुपालन में, ठीक है साथियों, अपना विभाग जो है वो मेन कृषि एवं पशुपालन पर है, तो कृषि और पशुपालन के अंदर क्या क्या और घोषणाएं हैं और क्या परिवर्तन किया गया है तो उसके बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। पूरा मैं आपको बजट बताऊंगा कृषि एवं पशुपालन का। तो साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एग्रीकल्चर और वेटरनरी से रिलेटेड यहाँ पर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो साथियों, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो और मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान सरकार बजट 2023-24 वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की घोषणाएं 17 मार्च 2023। अब साथियों, कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र यानी कि जो अपना पशुपालन हो गया, पूरा जो कृषि का है वो रिलेटेड इसमें आ गया है, तो मैं दोनों का आपको बताऊंगा, कृषि एवं पशुपालन का। तो ये पॉइंट नंबर 60 से शुरू होता है, 60 से, तो मैं आपको पूरी बता रहा हूँ। हालांकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको पूरी बताऊंगा कि बजट में क्या क्या हुआ है। तो साथियों, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एवं फलदार पौधों की जल मांग के सटीक जानकारी के लिए 10,000 किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑटो सेंसर एवं फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए अनुदान दिया जाएगा। ये कृषि वालों के लिए है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसके अतिरिक्त 10,000 किसानों को उठी हुई क्यारी बनाने हेतु राइट बेड प्लांटर यंत्र भी अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस हेतु 50 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है कि प्रदेश में कृषकों की आय बढ़ाने एवं नॉन एग्रीकल्चर सीजन में आय के विकल्प प्रदान करने में के लिए ट्रैक्टरों के व्यावसायिक पंजीयन पर लगने वाले एक बाहरी शुल्क को 6,000 से घटाकर 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित किया गया है, और साथ ही नियमित फिटनेस सर्टिफिकेट फीस, इंस्पेक्शन फीस व ग्रीन टैक्स को 2,300 रुपये से घटाकर केवल 200 रुपये किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कृषि मंडियों को देय राशि, कृषि मंडियों में जो देय कृषक कल्याण शुल्क पर जो मौजूदा 50% की जो छूट है वो 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही समस्त कृषि मंडियों में व्यापारियों की सुविधा के लिए व्यापार भवन हेतु DLC की 25% दर पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। और अगला पॉइंट है कि गंगापुर भिलवाड़ा गोगुंदा उदयपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, तो कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे, एक गंगापुर भिलवाड़ा में, दूसरा गोगुंदा उदयपुर में। और चांदन जैसलमेर और मारवाड़ जंक्शन पाली में मिनी फूड पार्क विकसित किए जाएंगे, मिनी फूड पार्क। अगला है कि जो बेंगू चित्तौड़गढ़ में सब्जी फूल मंडी तथा सावर अजमेर मडरेला पिल्लानी झुंझुनू शहडोली रामगढ़ अलवर बागौर मांडल भिलवाड़ा जमरावामगढ़ जयपुर में कृषि उपज मंडी खोली जाएगी। बेंगू चित्तौड़गढ़ में तो जो है सब्जी फूल मंडी है और बाकी जो है कृषि उपज मंडी खोली जाएगी। और साथ ही गौण कृषि उपज मंडी लोहावट जोधपुर को कृषि उपज मंडी में करमुंद किया जाएगा। अब है कि प्रदेश में पंजीकृत जो 3,636 गौशालाओं में पेयजल हेतु आवश्यकता अनुसार 3-phase 2-well स्थापित किए जाएंगे। इसे तो आगामी वर्ष लगभग 75 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। जितनी भी अपने राजस्थान में पंजीकृत गौशालाएं जो है 3,636 गौशालाएं, उनमें पानी हेतु पेयजल के लिए 3-phase 2-well की व्यवस्था की जाएगी, स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 75 करोड़ रुपये का व्यय इसमें किया जाएगा। अब पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए और दूध उत्पादों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पशु चिकित्सा संस्थान को या केंद्र खोले जाने के साथ अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी जो इस प्रकार है। तो जो पहली है ये पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने के संबंध में है, एक किशनगढ़ अजमेर में, फिरोजपुर राजगढ़ अलवर में, बुधवाली रतनगढ़ चूरू में, श्रीपुरा रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, जेतपुर राजाखेड़ा धौलपुर,
साऊ, सिरा, राजपुरावास, जमरा रामगढ़, जयपुर, एका बाटियान, बिठड़ी कलरा, फिलोदी और दुगर बालेसर जोधपुर, धुंधला मारवाड़ जंक्शन पाली तथा बिलासपुर यूनियारा और गावड़ी देवली टोक में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। पिछले जो साथ जो 10 फरवरी और उसके बाद का जो बजट आया था उसमें 1200 और 1436 इस प्रकार से जो कई सारे नए उपकेंद्र की घोषणा की गई थी जिसमें, और इसके अलावा ये और घोषणा की गई है नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की। साथियों इसके बाद में आपको जो है भर्ती पर भी चर्चा करके बताऊंगा कि भर्ती का क्या होने वाला है पशुपालन विभाग के अंदर सभी तरह की भर्ती ऊपर, ठीक है। और प्रागपुरा, रेणी, अलवर, लखनपुर, दौसा, तेजरावा, फतेहगढ़, तनोट, जैसलमेर, नरसिंहपुरा, बिरानी, श्रीगंगानगर, नीमड़ी, कला, डेगाना, राजौर, जायल, नागौर के पशु चिकित्सा उप केंद्रों को पशु चिकित्सालय में कर्मंत किया जाएगा। जो सब सेंटर है उनको हॉस्पिटलों में कर्मंत किया जाएगा। और जो जिलिया, नावा नागौर, भगवानपुरा मंडल, भिलवाड़ा के जो पशु चिकित्सालय है उनको प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कर्मंत किया जाएगा। और जोधावर, मारवाड़ जंक्शन पाली में बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। लालचौर, दौसा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा। ये एक और कॉलेज की घोषणा की है वेटरनरी का, जिसमें लालचौर जो दौसा है वहां पर पशु चिकित्सालय पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा, जिसमें कई सारी सुविधाएं भी रहेगी। अगला है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण श्री गुरु जम्बेश्वर के नाम पर किया जाना प्रस्तावित है। ये साथियों सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो राजवास बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है वेटरनरी के, उसका नाम चेंज किया जा रहा है। इसमें प्रस्तावित किया गया है कि जो पहले राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर था, उसका अब जो है नया नाम श्री गुरु जम्बेश्वर पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम पर प्रस्तावित किया गया है, जो सबसे बड़ा इसका पॉइंट है। अगला है कि बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय अजमेर में इंडोर वार्ड एवं पशुपालकों के लिए डोरमेट्री की सुविधा विकसित की जाएगी। एक तो इंडोर वार्ड और दूसरा डोरमेट्री, यानी कि उनके रहने से लेकर संबंधित जो सुविधा है वो विकसित की जाएगी। और अगला पॉइंट है कि दूध उत्पादन में वृद्धि करने तथा दूध उत्पादों को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु बसे जयपुर में सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट टू मिल्क प्रोड्यूसर, यानी कि CSSMP की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 50,000 दूध उत्पादक लाभान्वित होंगे। ये तो मेन पॉइंट हुए पशुपालक के, यानी कि पशुपालन विभाग के अंदर। और अगला पॉइंट है कि आगामी 3 वर्षों में धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत धौलपुर, राजाखेड़ा व सपेहों के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया जाएगा। इससे 15,000 किसान लाभान्वित होंगे। और इसके अलावा जो बात बताई गई है कि मेरे द्वारा 16 फरवरी 2023 को प्रदेश में 100 इनिकटों के निर्माण या जीर्णोद्धार व 100 नहरी तंत्रों के जीर्णोद्धार हेतु 400 करोड़ रुपए के जो कार्य प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी, और इसी क्रम में माननीय सदस्य गण एवं प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से कार्य के महत्व को देखते हुए और अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, अतः में एनिकटों के निर्माण या जीर्णोद्धार व नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार हेतु निर्धारित किए गए 400 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 800 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ। जस्ट डबल इसमें कर दिए गए हैं। पहले 400 करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई थी उसको बढ़ाकर 800 कर दिया गया है। अब जो प्रदेश में जो सिंचाई संबंधी जो विकास के कार्य करवाए जाएंगे वो इस प्रकार हैं, कहाँ पर कितना पैसा पास किया गया है, सिंचाई कार्य और लागत। अब इसमें जो शुद्ध मुख वितरिकाओं में निकलने वाले जो रेजड़ी, डाणेबड़ी, गजरा, टुंडाखेड़ी व सिद्धमुख माइनर के अंदर अंतिम छोर तक सिंचाई जल है, तो नहर वितरिकाओं के जीर्णोद्धार व खालों के कार्य ये चूरू में किए जाएंगे, जो 3 करोड़ रुपए की इसमें लागत पास की गई है। और भाखरा माइनर तथा बावलवाड़ा माइनर, खेरवाड़ा, उदयपुर का जीर्णोद्धार कार्य भी किया जाएगा, इसमें 3 करोड़ रुपये का लागत होगी।
छोटे उदय सिंदूरा तालाब गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ रुपए की इसमें लागत की गई है। और मंडावा मलसेसर झुंझुनू के खारे पानी के गांवों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए सर्वे व डीपीआर इसमें किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए की लागत होगी। दूधू जयपुर के छापरवाड़ा बांध उतरे नीचे नहर के सुदृढ़ व नवीनीकरण के कार्य को 22.50 करोड़ के इसमें घोषणा की गई है। और रिस्का नाल जोथरे और डूंगरपुर में एनीकट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ रुपए के इसमें किए गए हैं। राताघाटा जोधरे डूंगरपुर में बांध निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए इसमें किए गए हैं। राज्य कावास बांध जालोर के निर्माण जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ रुपए, बोरा बांध एगलिंगपुरा उदयपुर का निर्माण कार्य 5 करोड़ रुपए और बिलिया कला में बनास नदी पर एनीकट सहाड़ा बिलवाड़ा इसमें 9 करोड़ रुपए का इसमें लागत से किया जाएगा। और कालीसौ तालाब के नहरों का जीर्णोद्धार किशनगंज बारा में 5 करोड़ रुपए, खाजूवाला के नहरें खालों के मरम्मत कार्य बीकानेर 50 करोड़ रुपए ये इसमें नहरों के लिए काम में लिया जाएगा सिंचाई के लिए। अब बारा जिले के परवन वृहद सिंचाई परियोजना में अटरू के 17 अंता के 10 व मांगरोल व मांगरोल 10 वंचित गांवों को शामिल करने हेतु डीपीआर बनाई जाएगी। और साथ ही सरदार सर चूरू के 58 वंचित गांवों के रकबों को चौधरी कुंभारा माही लिफ्ट केरल योजना में शामिल किया जाएगा। और आज का जो आखिरी पॉइंट है इसका वो है बांधों एवं नहरों के सुचारू संचालन हेतु गेज रीडर ऑपरेटर ग्रेड थर्ड आदि 3000 कार्मिकों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती की बात हुई है इसमें कि बांधों एवं नहरों के सुचारू संचालन हेतु गेज रीडर ऑपरेटर ग्रेड थर्ड इत्यादि 3000 कार्मिकों की भर्ती की जाएगी। तो इस प्रकार से ये कृषि एवं पशुपालन के अंदर जो है बजट जो की गई है उसमें ये सभी घोषणाएं की गई है और कई सारी घोषणाओं में परिवर्तन भी किया गया है। तो साथियों ये कृषि एवं पशुपालन का जो है बजट मैंने आपको पूरा बताई दिया है। आशा करूंगा कि आपको हमारी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन जानकारी जो है अच्छी लगी हो। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.